नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एक फीमेल हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इनफैक्ट आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके कारण फीमेल्स को अक्सर पीआईडी की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण यंग मैरिड फीमेल्स को इनफर्टिलिटी यानी निसंतानता का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण फीमेल्स को लंबे समय तक ल्यूकोरिया या जो डिस्चार्जेज है उसकी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेल्फिनजाइटिस के बारे में। सेल्फिनजाइटिस को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे आखिर ये होता क्या है, तो ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड एक डिजीज है, या आप कह सकते हैं एक तरह का पीआईडी है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, यानी महिलाओं के जो पेडू का हिस्सा है उस हिस्से में होने वाली एक बीमारी है। और इसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। पहले तो हम समझेंगे कि सेल्फिनजाइटिस इटसेल्फ क्या है, इसके क्या कारण होते हैं, इसमें क्या लक्षण या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, और किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन हम इसको ठीक कर सकते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो है सेल्फिनजाइटिस में बॉडी के अंदर हमारे होता क्या है। उसके लिए हमें थोड़ा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है बेसिक आइडिया होना चाहिए। जिन लोगों को साइंस बैकग्राउंड है उनको तो सब पता है, लेकिन एक आम आदमी जिसको नहीं पता है उनके लिए मैं बेसिक में जो है रूटीन में थोड़ा सा यहाँ बात करने वाले। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप जानते हैं कि सबसे पहले जो है उनके दो ओवेरीज होती है, बॉडी के दोनों तरफ में एक एक ओवेरीज होती है, एक राइट और लेफ्ट के अंदर। और इन ओवेरीज का जो काम होता है, रूटीन में हम लोग बात करें तो मंथली एक प्रोडक्शन होता है और हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है। इन ओवेरीज से दोनों तरफ जो है, दोनों ओवेरीज से नीचे दो ट्यूब्स निकलती है, इनको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। और इन फेलोपियन ट्यूब में जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसी जो बीमारी होती है उसी को हम लोग सेल्फिनजाइटिस कह रहे हैं, जिसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले। तो ये जो दोनों ओवरीज है, यहाँ से दो ट्यूब्स निकलती है दोनों तरफ, और ये ट्यूब्स है नीचे आके यूट्रस या जिसको हम कहते हैं बच्चेदानी, उससे कनेक्टेड हो जाती है, और बच्चेदानी से जो है नीचे वेजाइनल ओपनिंग जो है शुरू हो जाती है। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। अभी इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फेलोपियन ट्यूब से रिलेटेड, तो हम लोग समझ लेते हैं कि फेलोपियन ट्यूब का जो है फीमेल बॉडी के अंदर क्या रोल है। फेलोपियन ट्यूब के दो इम्पोर्टेंट रोल है। सबसे पहला रोल तो ये है कि जो फीमेल की हमने बात की, जो ओवरीज है वहां पे ओवम या आप कह सकते हैं जो एग है उसका प्रोडक्शन होता है, तो ये जो ओवम है इसका ट्रांसपोर्टेशन जो है फेलोपियन ट्यूब के थ्रू होता है। ओवम ओवरी के अंदर बनता है और वहां से फेलोपियन ट्यूब के थ्रू ट्रेवल होते हुए यूट्रस में यानी नीचे बच्चेदानी की तरफ आता है। अब जो है नेक्स्ट इसका इम्पोर्टेंट होता है वो होता है फर्टिलाइजेशन, या जो मैरिड लेडीज है, हम लोग बात करें जो मैरिड लाइफ में, तो उनके अंदर जो कंसीव करने का होगा, जो फर्टिलाइजेशन होगा, जो मेल का स्पर्म जो है शुक्राणु जिसको हम कह देते हैं, स्पर्म और जो ओवम या हम बोले एग, इसका जो यूनियन है, जो आपस में फर्टिलाइज या जो मिलने की जगह, वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही होता है, यानी वहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। यही वो जगह है जहां पे जो है स्पर्म और ओवम मिलेंगे और कोई फीमेल है वो वहां पे कंसीव करेगी। तो ये इसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गए फेलोपियन ट्यूब के। और ये जब वहां फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फिर ये वहां से नीचे जो है फर्टिलाइज होने के बाद जो ये ओवम था, जो एग था, ये आप कह सकते हैं कि वापस जो है नीचे यूट्रस में आता है और वहीं पे जो है बच्चा जो है प्रॉपरली जो है उसका फीटस का जो डेवलपमेंट है, जो 9 मंथ्स की जर्नी है, वो नीचे यूट्रस में होती है। तो ये हमने समझा कि फेलोपियन ट्यूब का कितना इंपॉर्टेंट रोल है कोई फीमेल बॉडी के अंदर, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर। और अगर इस फेलोपियन ट्यूब में कोई डिजीज हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो नेचुरली उन फीमेल्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। अब हम बात करें ये सेल्फिनजाइटिस कितनी तरह का होता है। देखिए, सेल्फिनजाइटिस को जो है दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक तो एक्यूट और एक क्रॉनिक। एक्यूट सेल्फिनजाइटिस जो होगा उसके अंदर क्या होगा कि जो फेलोपियन ट्यूब है उसके अंदर जो है वहां पे थोड़ा सा आप कहेंगे रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी, यानी वहां इन्फ्लेमेशन हो जाएगा कि वहां सूजन हो जाएगा। उसके कारण क्या होगा कि वहां काफी सारा फ्लूइड है वो सेक्रेट होने लगेगा और ये फ्लूइड है वो आगे चल के पस फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो सकता है, जिससे आपकी जो फेलोपियन ट्यूब होगा वो अंदर से चिपक जाएगी और उसी के साथ में अंदर से चिपकेगी और आसपास के जो सराउंडिंग ऑर्गन्स है, जैसे वहां इंटेस्टिन है आते हैं, तो उनसे भी जो है फेलोपियन ट्यूब से उनकी चिपक जाएगी। और ये काफी लंबे समय तक अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया जाए तो ये क्रॉनिक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसमें क्या सिम्टम्स या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे कि अगर किसी फीमेल के अंदर ऐसी प्रॉब्लम है तो उनमें क्या सिम्टम्स आएंगे। सिम्टम्स की हम बात करें तो सबसे पहला इसमें सिम्टम आपको देखने को मिलेगा वो डिस्चार्जेज, उनको वेजाइनल डिस्चार्जेज होंगे जिसको हम लोग ल्यूकोरिया कह देते हैं। और ये डिस्चार्जेज हैं, ये व्हाइट कलर के हो सकते हैं, येलो कलर के हो सकते हैं, ग्रीन कलर के हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कितने समय से है, कितना आपको इन्फेक्शन है, उसके अकॉर्डिंगली जो आपके डिस्चार्जेज है उसके कलर चेंज होने लगते हैं। और ये डिस्चार्जेस ऑफेंसिव होंगे, यानी थोड़ा बदबूदार सा जो है ये डिस्चार्जेस आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ में आपको डिस्मेनोरिया हो सकता है, यानी जो पीरियड्स का समय होगा उस समय आप देखेंगे काफी सीवियर पेन हो रहा है। और ये पेन जो होता है कई लोगों का इतना सीवियर पेन होता है कि अक्सर कई बार उनको इंजेक्शंस भी लेने पड़ते हैं या काफी जो है 2-4 दिन तक बेड रेस्ट भी करने की
जरूरत पड़ सकती है। और इसके अंदर जो ब्लीडिंग होगी मेंसेज के टाइम वो भी जो है नॉर्मल नहीं होगी, थोड़ा एबनॉर्मल आपको ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हम सिम्टम की बात करें तो जब यूरिन पास करेंगे तो उस समय भी एक पेन और डिस्कम्फर्ट सा बना रहेगा, और उसमें जो है कई बार देखने को मिलेगा कि जो यूरिन की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ गई है। ऐसे के अंदर कई बार इन्फेक्शन होने लगता है, इन्फेक्शन के कारण आपको फीवर आ सकता है, नोजिया वोमिटिंग है आप वो भी फील कर सकते हैं, और आपको जो है बात की ल्यूकोरिया है, डिस्चार्ज है तो उसके कारण जो है आपको जो है बैकएक यानी आपका जो कमर है पीछे का नीचे का हिस्सा उसके अंदर आप पेन डिस्कम्फर्ट वगैरह फील करेंगे। आपका जो लोअर एब्डोमन है जिसको रूटीन में पेडू कहा जाता है, पेडू वाले हिस्से के अंदर आप देखेंगे भारीपन बना हुआ है, डिस्कम्फर्ट बना हुआ है और दर्द सा आपको रह रहा है। इसी के साथ में इनफर्टिलिटी एक बहुत बड़ा जो है यंग फीमेल्स के अंदर इसका कारण देखने को मिलता है कि नेचुरली आप समझ सकते हो अभी हमने बात की जो फेलोपियन ट्यूब है उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है कि जो ओवेरी है वहां से ओवम आता है वो फेलोपियन ट्यूब में रहता है और इधर से स्पर्म जो है इन दोनों का जो फर्टिलाइजेशन है वो फेलोपियन ट्यूब में होता है। तो अगर फेलोपियन ट्यूब हेल्दी नहीं है, वहां पे कोई तरह की प्रॉब्लम होगी तो नेचुरली जो है आपको जो है फर्टिलाइजेशन के अंदर दिक्कत आने वाली और इनफर्टिलिटी का जो है ये बहुत बड़ा एक कारण बन जाती है सेल्फ एंजाइटिस। इसी तरह से जो है ऐसी फीमेल्स के अंदर जो है उनको फिजिकल रिलेशंस जब है वो जब बन रहे होंगे तो उस समय भी काफी ज्यादा पेन डिस्कम्फर्ट इस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। ये कुछ सिम्टम्स थे, ये लक्षण थे जो काफी कॉमनली आपको सेल्फ एंजाइटिस में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करें इसके कारण की, क्या कारण होता है जिसके कारण आपकी जो फेलोपियन ट्यूब्स है उसमें आपको ऐसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। कारण की बात करें तो बहुत से कारण है, इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन केस टू केस हो सकता है, कुछ भी अलग अलग कारण हो, लेकिन कुछ कॉमन कारण जो देखने को मिलते हैं उनको अगर हम वन बाय वन शेयर करें तो ये देखा गया कि वो लोग जो उनके मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हैं तो मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स के कारण भी जो है ये प्रॉब्लम होना बहुत कॉमन दिक्कत है। उसी तरह से वो लोग जिनको एसटीडी यानी कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हुई है, नेचुरली जिनके मल्टीपल पार्टनर्स हैं या अपने पार्टनर से अगर कोई तरह को उनको सेक्सुअल डिजीज मिल गई है तो उसके कारण भी जो है उनको सेल्फ एंजाइटिस हो सकता है। उसके अंदर जैसे गोनोरिया का इन्फेक्शन है, क्लैमिडिया का इन्फेक्शन है या कोई दूसरे तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, पीआईडी है, या इसी तरह से कई बार कोई तरह के वेजाइनल इन्फेक्शन हो सकते हैं वो फीमेल जो आईयूडीज वगैरह यूज करती है या जिनकी डीएनसी वगैरह की हिस्ट्री रही तो ऐसे के अंदर भी कई बार जो है इन्फेक्टेड हो सकते हैं और सेल्फ एंजाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, या और भी कोई दूसरा कारण हो सकता है इंडिविजुअल केस में जिसके कारण उनको कोई इन्फेक्शन हो गया और उनके अंदर जो है ऐसी प्रॉब्लम उनको देखने को मिल सकती है। वो फीमेल जो प्रॉपर हाइजीन नहीं रखती है, जो प्रॉपरली अपने बॉडी पार्ट्स की साफ सफाई जो है प्रॉपरली नहीं रखती है तो ऐसे लोगों के अंदर भी इन्फेक्शन होने के कारण जो है नेचुरली चांसेस बढ़ जाते हैं और उनको भी ऐसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात करें इसमें क्या इन्वेस्टिगेशन या क्या टेस्ट कराए जाते हैं। देखिए टेस्ट डिपेंड करता है आपके डॉक्टर पे, आपकी क्या पोजीशन है उसके अकॉर्डिंगली। जैसे आप जाते हैं तो ऐसे के अंदर आपका फिजिकली जो है पेल्विक एग्जामिनेशन किया जा सकता है, आपके कुछ ब्लड टेस्ट करवाए जा सकते हैं, आपका अल्ट्रासाउंड जो है जिसको आप कहते हैं सोनोग्राफी वो करवाया जा सकता है, आपका सेल्पिनोग्राफी करवाया जा सकता है, आपका पैप स्मेयर या म्यूकस स्वैब टेस्ट है ये भी करवाया जा सकता है, और एज पर नीड कोई दूसरे टेस्ट भी आपके लिए करवाए जा सकते हैं। जिनको सेल्फ एंजाइटिस की प्रॉब्लम है और जिनको इनफर्टिलिटी डिसमेनोरिया ऐसी प्रॉब्लम रहती है वो लोग जानते हैं कि वो लोग लंबे समय तक जो है कई तरह के ट्रीटमेंट्स वगैरह करते रहते हैं फिर भी बहुत अच्छा उनको जो है रिलीफ नहीं मिलता। यहाँ अच्छी बात यह है आप लोग जानते हैं कि होम्योपैथी के अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है जिनको अगर आप अपने प्रॉपर डॉक्टर के गाइडेंस में लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं और आपका जो प्रॉब्लम है सेल्फ एंजाइटिस का, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज का, या वहां पे जो इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन हो रहा है ये सारी प्रॉब्लम्स आप बिल्कुल उनको ठीक कर सकते हैं। और बहुत से केसेस मैंने क्लिनिक पे देखे हैं जिनको जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम थी, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज की प्रॉब्लम थी, या वहां इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन की प्रॉब्लम थी, वाई डिस्चार्जेस ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम थी, ऐसे लोग जो है हमने ट्रीटमेंट किया और हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले। तो मैं आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है आप प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें, डेफिनेटली जो है आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। मेडिसिन की अक्सर लोग बात करते हैं कि सर इसमें कौन सी मेडिसिन यूज की जानी चाहिए, जैसे मैं हमेशा मेरे हर वीडियो में कहता हूं मेडिसिन डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन, केस टू केस, क्या कारण है, क्या सिम्टम्स है, आपके केस में कौन सी मेडिसिन बेस्ट वर्क करेगी वो हमेशा आपके डॉक्टर जब आपसे डिस्कस करेंगे तो आपको बेटर वे में आपके लिए बता पाएंगे। लेकिन अगर रूटीन में बात करें कि कौन कौन सी मेडिसिन है जो ज्यादातर केसेज में अक्सर अच्छे रिजल्ट देने को मिलती है तो कुछ मेडिसिन मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मैंने देखा एपिस इसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन और एपिस को 30 पोटेंसी के अंदर यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो कोलोसिंथ, वो इसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, कोलोसिंथ को भी 30 पोटेंसी में सुबह शाम यूज किया जा सकता है। पल्सेटिला भी इसकी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसको भी 30 पोटेंसी में सुबह शाम यूज किया जा सकता है। और साइलिसिया 30 भी इसकी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसको भी 30 पोटेंसी में सुबह शाम यूज किया जा सकता है। ये कुछ मेडिसिन है जो ज्यादातर केसेस के अंदर देखा काफी अच्छे रिजल्ट देती है, हालांकि जैसा मैंने बताया इंडिविजुअल केस के अंदर केस टेकिंग प्रॉपर सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली आपके लिए हो सकता है कोई और ही अलग जो मेडिसिन है आपके डॉक्टर आपको ले दे, एंड डेफिनेटली अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा होगा।
इसी के साथ में प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रखें, योग प्राणायाम करें, प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी आप करें और अपने डॉक्टर को फॉलो करें, तो डेफिनेटली जैसा मैंने कहा आपको अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आएगी और आपके लिए लाभकारी साबित होगी। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।